जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी कि मैं माननीय के पास पहली बार संबोधित कर रही हूं, तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। अशोक चौधरी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भवन निर्माण मंत्री, वो भी मंच पर आसीन हो चुके हैं। इस मंच पर हमारे सारे एनडीए गठबंधन के, हम के और वीआईपी के सारे पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आधुनिक विद्यालय स्थापना लगभग हो गया, बचे हुए पंचायतों में नौवें की पढ़ाई का व्यवस्था कर दिया। अब इस बार तो कोरोना के चलते जो भी हुआ उसका उपयोग नहीं के बराबर हुआ, लेकिन आप सोच लीजिए एक एक चीज पर, और क्या हालत थी पहले, कौन पूछता था महिलाओं, कितनी जनप्रतिनिधि होती थी, महिलाओं का सदुपयोग कहां करते थे लोग काम में, इसलिए बिहार और पीछे चला जा रहा था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सबके उत्थान के लिए काम किया और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम करना शुरू किया, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया, 3 बार चुनाव हो चुका। अगर हम 15 साल से हैं तो भूल जाते हैं, हमसे चीड़ हो गई है। जरा बताइए 15 साल से है तो बिहार में कितनी महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जनप्रतिनिधि के रूप में है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इतनी चीड़ है। आप जरा देख लीजिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे पंचायती राज संस्था हो या नगर निकाय हो, हर जगह तो आप चारों तरफ देख रहे महिलाओं का उत्थान। लड़की को पढ़ा नहीं पाते थे गरीबी के कारण, हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, बाद में साइकिल योजना की शुरुआत की, मैट्रिक में तो 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और हमने जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि लड़की को साइकिल पर भिजवा रहे उसको लोग तंग करेगा, हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल का लाभ मिल रहा, और देखिए कहीं कोई घटना घटी। और कितनी बड़ी संख्या में अब लड़कियां स्कूल में पहुंच गई, बाद में लड़कों ने हमसे कहा अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत 10 से करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए अब लड़की कितना पढ़ रही है, स्वास्थ्य के लिए और काम, मनुष्य के स्वास्थ्य के अलावे जो पशुपालक हैं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हम लोगों ने सोचा है। 8 से 10 ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय बना देंगे और नई टेक्नोलॉजी से एक एक गांव जुड़ा रहेगा, अगर किसी का जानवर भी अस्वस्थ हुआ वो तुरंत सूचना देगा, उसका इलाज होगा और उसके लिए सारे दवा का इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो अब जरा सोच लीजिए इतना काम कर दिए, अब आगे और कौन कौन काम करेंगे, कोई झूठी बात बोलता करने वाली बात नहीं करता, करने वाली बात नहीं करता। और जो नई टेक्नोलॉजी की बात हम कह रहे हैं, आपको मालूम है लोग यही काम करेंगे, बाहर से माल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही से बाहर बहुत कुछ जाएगा। अब तो हमारा ये उद्देश्य है आगे के लिए, लोग समझे तब ना, जाने तब ना। चाहिए सत्ता, माल बनाने के लिए सत्ता चाहिए, विकास के लिए नहीं चाहिए। अंदर है बोल रहे हैं और लोग भी अंदर जाएंगे ही, कोई उपाय नहीं है। लेकिन ठीक कहा हमारे अशोक चौधरी जी ने, हम लोगों ने समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा की, जिन लोगों ने समाज की सेवा की, चाहे वो किसी भी जाति के हो किसी भी धर्म के हो, सब लोगों को एकजुट करके हम चलते हैं। प्रेम भाईचारा सद्भावना का माहौल समाज में हो, समाज के हर तबके को, जरा आप देख लीजिए हम लोगों का आंकड़ा, हर तरह के लोगों को इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना, उनके विकास के लिए काम करना, हम लोग तो सबका काम करते रहते हैं। इसलिए बहनों भाइयों हम आपसे तो एक ही बात कहेंगे कि जो समाज में एकजुटता लाने की कोशिश हमने की है, स्त्री पुरुष सबको काम करने के लिए प्रेरित किया है और अवसर प्रदान किया है,
अगर चाहते हैं कि बिहार की जो ऊंचाई थी, ऐतिहासिक ऊंचाई, उसको हम फिर से प्राप्त करें, तो हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। राज्य काम करती है और केंद्र में, केंद्र सरकार के द्वारा भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही। गरीबों के उत्थान के लिए बताइए, लोगों को कितनी सहायता मिल रही है, अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, इसके अलावा बड़ी सड़कों के लिए भी आप समझ लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता। तो अनेक प्रकार से काम, केंद्र भी विकास के लिए काम और राज्य भी अपने विकास के लिए काम, अपने उत्थान के लिए काम। तो जरा सोच लीजिए, अभी और काम करना है, अभी बिहार को और आगे ले जाना है, दूसरों के चक्कर में और जो कोई कुछ को बोलने की आदत है उसके चक्कर में मत रहिए। नई पीढ़ी के लोगों को बताइए क्या हाल था पहले और क्या अब हाल है और इसके आगे भी कहां ले जाना चाहते हैं हम लोग, तो इसके बारे में सबको बताइए और एकजुट होकर के हम लोग काम करें, बिहार भी आगे बढ़ेगा और देश के आगे बढ़ने में हम अपना योगदान देंगे। यही आप सब लोगों से कहना था। इसलिए हम लोगों के उम्मीदवार जो है नागेंद्र चंद्रवंशी जी भाई, शुरू से हमास से नहीं कर, प्रारंभ से ही ऐसे लोगों को देखा है कि ये सब काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच क्या भावना है, क्या आवश्यकता है, इसी की चर्चा हमसे करते रहे ये लोग। तो ऐसे ही व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, कोई हम लोग किसी को जो काम करने वाला व्यक्ति है उसी को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लाए हैं भाई नागेंद्र चंद्रवंशी जी को। तो हम तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, एक एक वोट अपना दीजिए, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, यही आग्रह। तो क्या उम्मीद करके जाए भाई, जिताइएगा इनको कि नहीं जिताइएगा, इधर हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ उठा के बता दिया, तब इनको हम माला पहना दें। अरे माला पहना दे, हाथ उठा के बताइए। इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद।